एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत अभिनंदन सभी किसान मित्रों का। मैं हूं प्रतिमा शर्मा और मैं हूं रजनीश। रजनीश, अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त के महीने में जहां पर पूरी धरती में हरियाली छाई रहती है, वहीं रिमझिम रिमझिम की फुहार भी खूब भली भांति बरसती है और कहा जाता है कि खेती किसानी के लिए ये मौसम बड़ा ही सुहावना और ही बड़े मुनाफे वाला होता है, खास तौर पर हमारी हरी सब्जियों के लिए। जी बिल्कुल सही कहा प्रतिमा। और देखिए, जैसे कि आपने कहा कि जो आसमान से जो अमृत बरसता है वो हमारे किसान भाई बहनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और किसान भाइयों के लिए बारिश का यह सीजन इतना फायदेमंद होता है कि इसमें आप बहुत सारी खेती कर सकते हैं जो खेती खलियानी के लिए बहुत ही अधिक लाभकारी होता है। और ये खास तौर से जब हम सब्जियों की बात करते हैं जो कि हमारे भोजन का एक अहम हिस्सा होता है, तो उसके लिए ये मौसम बहुत ही बढ़िया होता है। और देखिए, अभी इस समय इस मौसम में बैंगन है, मिर्च है, तुरई है, लौकी है, हमारे किसान भाई बहन इसकी बिजाई कर चुके हैं। लेकिन जहन में ये भी सवाल आता है कि अब कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं और जिनकी रोपाई हो चुकी है उनको किस तरीके से उनका ध्यान रखना है जिससे कि आने वाले वक्त में अच्छी खासी उनको आवक मिल सके। तो ऐसी ही सब बातों को और सवालों को सहेज कर हम आ गए हैं और हमारा आज का जो विषय है वो भी है कि अगस्त माह में सब्जियों की उन्नत खेती और देखभाल कैसे करें। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर बी एस तोमर जी को, जो कि संयुक्त निदेशक हैं प्रसार एवं अध्यक्ष शाखीय विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद प्रतिभा जी इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। जी धन्यवाद आपका सर। और प्रतिमा की हम इससे पहले कि डॉक्टर साहब से इस बारे में चर्चा करें तो हम सभी अपने किसान भाई बहनों को कह देते हैं कि अगर उनको भी इस विषय से जुड़ी उनकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है या वो कुछ जानना चाहते हैं तो वो हमें फोन करके पूछ सकते हैं और डॉक्टर साहब उनका सीधा जवाब देंगे, हल देंगे, समाधान देंगे। और इसके लिए जो फोन नंबर है वो इस तरह से है, जो दिल्ली से बाहर के लोगों के लिए जो एसटीडी कोड है वो है 011 और जो हमारा फोन नंबर है वो है 2342-1081। जी हाँ, 011 मैं बोल देती हूँ, 2342-1081। और हमारे वो किसान जो बाहर से हमें कॉल कर रहे हैं वो 011 जरूर लगा लें। तो आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और डॉक्टर साहब से पहला सवाल यही पूछती हूँ कि अगस्त माह में कौन कौन सी सब्जियां हैं जो लगाई जा चुकी हैं और कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो अभी लगानी है। देखिए, जैसा कि आपने प्रारंभ के अपने उद्बोधन में बताया कि वर्षा का मौसम है और वर्षा का मौसम हमारे देश में जुलाई के पहले सप्ताह से मानसून के आगमन के साथ आरंभ हो जाता है और ये लगभग 10 से 15 सितंबर तक चलता है और हम वर्षा मौसम का लगभग एक महीना तो हम पूर्ण कर चुके हैं और इसमें हमने देखा है कि जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हैं उनमें औसत वर्षा से थोड़ा कम हुई है
और अभी आशा की जाती है कि अगस्त और सितंबर के जो ये डेढ़ महीना बचा है इसमें बेहतर मौसम रहेगा, बारिश की संभावनाएं बेहतर हैं जैसा कि आईएमडी की फोरकास्टिंग है। जी। तो अगस्त के महीने में बारिश की मौसम में लगने वाली सब्जियां जो जुलाई के पहले सप्ताह में या जून के अंतिम सप्ताह में हमारे किसान भाई रोपाई कर चुके हैं उसमें जैसे बैगन है, फूल गोभी है, मिर्ची है, ये तीन प्रमुख सब्जी फसलें हैं जिनकी रोपाई जून के अंतिम सप्ताह से या जुलाई के पहले सप्ताह में हमारे किसान भाई करते हैं और अब वो फसल लगभग एक महीने की हो चुकी है। तो ऐसे में अब किसानों के सामने जो चुनौती आती है, जहां तक हम वर्षा का मौसम में आपने कहा कि जब फुहारें आती हैं, हरियाली होती है, तो उसके साथ अनेकों अनेक कीड़े और बीमारियां भी खेती में देखने को आते हैं, मिलते हैं। तो बैगन की अगर हम बात करते हैं तो बैगन में इस समय प्रमुख रूप से शीर्ष बेदक जो सूट बोरर है, इस कीड़े का प्रकोप होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में हमारे किसान भाई अपने बैगन के खेत में अभी क्योंकि 40 दिन के आसपास जैसे फसल होगी, अधिकांश किस्मों में या संकर किस्मों में पुष्पन भी आरंभ हो जाएगा और जैसे ही फल निर्माण होगा तो ये फल के ऊपर भी प्रभाव डालेगा और फल को ग्रसित कर देता है। तो ऐसे में शीर्ष और फल बेदक का नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है। मैं अपने किसान भाइयों को ये सुझाव देना चाहूंगा कि आप रासायनिक दवाओं की अपेक्षा अगर आप फेरामोन ट्रैप का इस्तेमाल करें जो बैगन के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हैं, उनको अपने खेत में एक एकड़ अगर आपने बैगन रोपाई की है तो 8 से 10 जगह पे आप दूरी को बनाए समान रखते हुए उनको लगा दें और हर 15 दिन के बाद उसमें ल्योर को बदलते रहें। ऐसा करने से जो शीर्ष बेदक हैं उसके वयस्क नर उसमें आ जाएंगे, फंस जाएंगे और वो मादा से नहीं मिल पाएंगे। इस प्रकार से वो अंडा देने का कार्य पौधे के शीर्ष भाग में और फल में नहीं करेगी। तो इससे आपको 2 से 3 रसायन छिड़काव करने से बचाव संभव है और इसको आप फसल की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए लगाना है। बहुत कम ऊंचाई से नहीं लगाना और पौधे की ऊंचाई से भी ऊपर नहीं लगाना है। तो जहां भी आपको ये फेरामोन ट्रैप लगाना है तो पौधे की ऊंचाई के को ध्यान में रख के लगाना है। तो पहला तो हम अपने किसान भाइयों को कहेंगे इससे आपके खेत में जो कीड़े का प्रकोप है वो कम हो जाएगा। दूसरा प्रकोप हो सकता है अभी मिर्ची में और आपके साथ साथ इसमें बैंगन में पत्ती के नीचे एक हरा तेला जैसा होता है जिसको हम जेसिड बोलते हैं, वो रस चूस के पौधे को पत्तियों को कमजोर करता है। तो उसके लिए हमारे किसान भाइयों को हम सिफारिश करते हैं कि आप निरंतर अपने खेत में जाकर के निगरानी करें और देखें कि पत्ती की निचली सतह पर हरे रंग के चमकदार हरे रंग के कीड़े तो नहीं हैं। अगर वे हैं तो उसके लिए उपाय करने की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे किसान भाई प्रतिमा जी मैं बताना चाहूंगा कि कई बार खेत में एक या दो कीड़े दिखाई दिए तभी हमारे किसान भाई छिड़काव करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में उनके कृषि में लागत बढ़ती है और मृदा का जो स्वास्थ्य है वो भी प्रभावित होता है क्योंकि रसायन की कुछ मात्रा पौधे की पत्तियों के अलावा जमीन पर भी गिर जाती है। इससे हमारे जो सूक्ष्म जीवी हैं या दूसरे लाभकारी कीड़े हैं जो जमीन में रहते हैं उनको भी नुकसान होता है। जी। तो निगरानी करना जरूरी है और निगरानी जब वो यदि उनकी संख्या बढ़ती है तो निश्चित रूप से हमें रसायन का छिड़काव करने की आवश्यकता होती है। तो इसके अतिरिक्त जो फूल गोभी अभी लगी हुई है, फूल गोभी में जो खतरा रहता है वो रहता है शीर्ष के नुकसान का। जब हम रोपाई करते हैं कई बार जो बरगड़ा है, सरसों का एक कीड़ा होता है, ये क्या करता है जो कोमल पौधे होते हैं। डॉक्टर साहब एक फोन आ गया है, हम जी, लोग जी। ले लेते हैं, देखते हैं कौन है। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन और कहाँ? नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं लोनी गाजियाबाद से बोल रहा हूँ जी। जी क्या नाम है आपका? हरिंदर कुमार नाम है। हरिंदर जी क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरा ये सवाल है मैडम, मैंने अपने गमले में एक तोरी का पेड़ लगा रखा है। तोरी का पेड़? और वो हाँ जी। अच्छा, वो काफी बड़ी बेल हो गई है, अभी तक तोरी नहीं आई इससे। अच्छा ठीक है। मैं आपसे हरेंद्र जी ये जानना चाहूंगा कि आपने गमले में जो तुरई लगाई है वो कब लगाई थी? उसे 1 महीना हो गया सर। अच्छा, अभी आप निश्चिंत रहिए, 1 महीने
के अंदर अभी फूल आने शुरू नहीं होते हैं, आप गमले में गोबर की खाद या थोड़ा डीएपी या नीम की खली आदि को मिलाते रहिए, पौधे की बढ़वार को संतुलित रखिए और तकरीबन 40 से 45 दिन के बाद जब फसल हो जाएगी तब उसमें पीले रंग के फूल आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपका एक ही पौधा है जो आपने गमले में लगा करके अपनी जाली के ऊपर या अपने फेंसिंग के ऊपर लगाया हुआ है तो उसमें आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि परागण की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अक्सर ये देखने में आता है कि पौधों की बढ़वार तो अच्छी होती है, फूल भी आते हैं लेकिन फल नहीं बनते। उसका प्रमुख कारण होता है कि नर और मादा का मिलन नहीं हो पाता, क्योंकि एक ही बेल के ऊपर नर और मादा फूल आते हैं और परागण वाहकों के कमी के कारण ऐसा होता है। तो आप जो मादा फूल की पहचान कर लें, नर फूल की जो तुरई अक्सर जो हमारी चिकनी तुरई है इसके फूल सुबह के समय खिलते हैं, 6 बजे आप नर फूल को तोड़ के मादा फूल के जो ऊपर वर्तिकाग्र है उसको परागित कर दें तो उससे फलों का निर्माण हो जाएगा। ये मैं आपको अग्रिम सूचना दे रहा हूँ कि ऐसा आपके साथ होगा, अगर आप ऐसा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको तुरई के फल अवश्य मिलेंगे। जी, फोन करने के लिए हरिंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि बैंगन और मिर्च के बारे में, जैसे जो अभी गाजर, शलजम या पालक, धनिया और चौलाई की बात करें तो इसकी खेती के, इसके बिजाई के लिए कैसे बिजाई करें? देखिए, निश्चित रूप से अभी हम पालक, अगेती गाजर, साग सरसों, धनिया और मूली और इवन जो हमारी शलजम है उसकी हम अभी तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी के साथ साथ इस बात को ध्यान रखना है कि जितनी भी जड़ वाली फसलें हैं या जो हमने पालक, धनिया, साग सरसों की बात की है, इन सबको या तो हम रेज बेड के ऊपर लगाएं, समतल क्यारियों में ना लगाएं जी। क्योंकि वर्षा का मौसम है और वर्षा अगर एकदम से अधिक हो जाती है तो ये फसलें, धनिया, पालक, साग सरसों, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये पानी की अधिकता को सहन नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे में हम अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहेंगे कि आप पालक, धनिया और साग सरसों को आप उथली क्यारी पे लगाएं, जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची बेड बना लें और खेत में जल निकास की समुचित व्यवस्था करें। जहां तक बात है गाजर की, अगेती गाजर की, जिसमें पूसा वृष्टि एक किस्म है, हमारे किसान भाई उसको लगा सकते हैं, और मूली में अभी पूसा चेतकी को लगा सकते हैं या लोंग चेतकी को लगा सकते हैं, समर लोंग चेतकी को लगा सकते हैं, या और स्थानीय रूप से उपलब्ध जो अगेती बुआई के लिए किस्म की संस्तुति की गई है उसको चयन करके लगा सकते हैं, या हमारी पूसा श्वेती किस्म है सलजम की उसको अभी हम लगा सकते हैं, ये उच्च तापक्रम पे जमाव करके जड़ बनाने की क्षमता रखती है। और पालक है, उसमें आल ग्रीन है, पूसा भारती है, दोनों किस्मों को हमारे किसान भाई अभी लगा सकते हैं, लेकिन इनको उथली क्यारी पे लगाना है। और जड़दार सब्जी फसलें जो हैं जिसमें गाजर और मूली, शलजम है, इनको मेड़ों के ऊपर लगाएं। तो इससे वर्षा की तेज स्थिति होने के कारण उसमें किसी भी प्रकार के नुकसान से बच सकते हैं। और कई बार डॉक्टर साहब, जैसे बारिश का मौसम है, बारिश का तो पता नहीं चलता, कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है और कई बार बहुत कम भी होती है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जब बारिश हो जाती है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा हमारे किसान भाई। निश्चित रूप से मैं गाजर के ऊपर बताना चाहूंगा कि गाजर में अक्सर हमारे किसान भाइयों के सामने क्या चुनौती होती है कि जैसे आज उन्होंने गाजर की बिजाई की, गाजर 5 से 7 दिन का समय लेती है जमने में, अगर इसी दौरान तेज वर्षा हो जाती है तो अक्सर किसानों का बीज बह जाता है, और अगर वो 8 से 10 दिन पुरानी, 15 दिन पुरानी भी है, तेज वर्षा की स्थिति में उसकी जड़ों से मिट्टी अड़ जाती है और उस पर दोबारा मिट्टी लगा करके पौधों को ठीक करना संभव नहीं होता। तो मैं अपने किसान भाइयों को एक सलाह देना चाहूंगा कि आप गाजर की बिजाई करने से पहले मौसम संबंधी जानकारी पे जरूर ध्यान दें कि अगले सप्ताह में मौसम का व्यवहार कैसा रहेगा, वर्षा की मात्रा कितनी रहेगी। अगर हल्की बारिश है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन अगर 40 से 60 एमएम की बारिश और तीव्रता के साथ बारिश होगी तो ऐसी स्थिति में गाजर की बुआई को किसान भाई आगे पीछे कर सकते हैं ताकि उनको बीज का नुकसान ना हो और उनकी मेहनत, परिश्रम व्यर्थ ना जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, बेल वाली सब्जियां तो लग चुकी हैं और इस समय वो बढ़वार पर हैं, तो बढ़वार जब होती है तो कीड़े भी लगते हैं, खरपतवार भी खूब आते हैं, तो
किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आप प्रतिमा जी आपने किया है कि जो बेल वाली सब्जियां हैं अभी लगभग 4 से 5 पत्ते की अवस्था में हैं और इस अवस्था में एक कीड़ा लगता है जिसको हम लालड़ी बोलते हैं, रेड पंपकिन बीटल। ये सुबह और शाम के समय जो हमारे नए पत्ते होते हैं उनको खा करके नष्ट करता है, इससे पौधे की बढ़वार प्रभावित होती है। तो ऐसे में हम इस विषय पे ध्यान देना जरूरी है अपने सुबह के समय और शाम के समय। किसान भाई अपने खेत में जाएं, पौधों को देखें, उन पे अगर लालड़ी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ दिखती है तो निश्चित रूप से उसके नियंत्रण के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसमें हम स्थानीय रूप से बताना चाहूंगा, अगर मौसम साफ रहता है तो हम राख का इस्तेमाल भी उसमें कर सकते हैं, जो आपके घरों में खाना पकाने का काम चूल्हे पे होता है उसकी राख को भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर राख उपलब्ध नहीं है तो किसी भी संपर्क नाशी कीटनाशी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे मार्शल एक हो सकता है या इसी समूह के जो संपर्क कीटनाशी हैं उनकी मात्रा को 1.5 से 2 ml प्रति लीटर घोल बना करके छिड़काव किया जा सकता है। और आजकल जो कीटनाशक हैं अधिकांशतः वो हमारे या तो ग्रीन लेवल के हैं, उनका ग्रीन लेवल वाले जो कीटनाशक हैं उनका यह है कि उनकी कम, बहुत कम मात्रा लगती है और उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी कम होते हैं। डॉक्टर साहब एक और प्रश्न, जो खास कि वर्षा का मौसम है और जाहिर सी बात है खरपतवार की जो समस्या है बहुत अधिक रहती है, तो इससे कैसे निजात पाएं? देखिए इसमें 2-3 बातें हमको ध्यान रखनी है। एक तो हमें अपने खेत की बुआई करने से पहले उसकी प्लेवा करें करके बढ़िया से खेत की जुताई करके समतलीकरण करें और उसमें तब बिजाई करें या रोपाई करें। दूसरी बात यह है कि अगर आप क्यारियां तैयार करके, जैसे आपको अगर बिजाई करते हैं रोपाई करते हैं उससे पहले खेत को तैयार करके उसमें पेंडामेथलीन नामक एक हमारा खरपतवार नाशी है, पेंडामेथलीन जो स्टॉम्प के नाम से मिलता है, 30 EC की मात्रा रहती है, उसकी 2.5 से 3 ml मात्रा प्रति लीटर घोल बना करके 150 L पानी में घोल बनाया जा सकता है और उसको एक समान रूप से छिड़काव कर दिया जाए और उसके बाद उसमें खेत में रोपाई कर दें तो 25 से 30 दिन तक किसान भाइयों को जो हमारे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनसे निजात मिल जाती है। और उसके बाद 1-2 जैसा मौसम अवसर देता है आवश्यक होता है कि खेत में खुरपी से निराई करा दी जाए ताकि उसमें जड़ों को हवा का आदान प्रदान अच्छा हो जाए, उससे बेहतर वृद्धि होगी उसमें और जो है कीड़ों की संख्या भी कम होगी। जब खेत साफ होगा तो कीड़ों को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, शेल्टर नहीं मिलेगा, तो क्लीन कल्टीवेशन इसके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन। तो डॉक्टर साहब आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा आपसे कि अगस्त माह में हमारे किसान बहुत से सब्जियां लगा भी चुके हैं, कुछ लगाना चाहते हैं, तो विशेष तौर पर उन्हें किन खास बातों का ध्यान रखना है? मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि आप पहले तो जो भी बिजाई करें बिजाई उथली क्यारियों पे करें, रेज बेड बनाएं और जो जड़ वाली फसलें हैं मूली शलजम चुकंदर गाजर इनकी बिजाई जो है मेड़ों के ऊपर करें और समतल क्यारियों पे बिजाई या रोपाई ना करें और खेत से जल निकास की व्यवस्था रखें। खेत की जो बंड हैं मेड़े हैं उनकी निरंतर सफाई करते रहें, खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करें या अपना मल्चिंग कर सकते हैं, आप प्लास्टिक का मल्च का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि खरपतवारों की संख्या कम रहे इस प्रकार से। और जो बीज आप इस्तेमाल करते हैं उन्नत बीज का इस्तेमाल करें, बीज उपचारित करके बुआई करें और अगर रोपाई करनी है जैसे अभी गोभी की अगेती और जो दूसरी समूह है उसकी रोपाई अभी होगी गोभी की पत्ता गोभी की, तो उसमें जड़ों को पौधों को निकालने के बाद बाविस्टिन के घोल में 15 से 20 मिनट डुबो करके और उसको तब खेत में रोपाई करें। और नर्सरी में पौधों को निकालने से पहले अगर कीड़ों का कहीं प्रकोप है तो उसमें एक छिड़काव किया जा सकता है ताकि खेत में पहले छिड़काव की अवधि को कम किया जा सके। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी कि अगस्त माह में सब्जियों की उन्नत खेती कैसे करें और खास तौर पर ध्यान क्या क्या रखें। तो डॉक्टर बीएस तोमर जी हमारे साथ थे, संयुक्त निदेशक प्रसार एवं अध्यक्ष शाखीय विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद जी। तो रजनीश हमारे डॉक्टर साहब ने तो हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान आत्मनिर्भर हो जाए।
संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रतिमा, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कोशिश रहती है कि हम अपने किसान भाई बहनों को समसामयिक विषयों पर भी उनको परिचित कराते रहें। हाल ही में पोषक आहार पाक महोत्सव का आयोजन 30 जुलाई 2022 को दिल्ली हाट में किया गया, और आइए सुनते हैं इसी पर एक रेडियो रिपोर्ट। तो चलिए आइए सुनते हैं ये रेडियो रिपोर्ट। विगत दिनांक 23 जुलाई 2022 को दिल्ली हाट में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 को ध्यान में रखते हुए पोषक अनाज पाक महोत्सव का आयोजन किया गया। पोषक अनाज पाक महोत्सव में परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने पोषक अनाज की किस्मों के विकास के बारे में जानकारी देते हुए कहा। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त महानुभाव, मैं अपनी तरफ से भारत सरकार के कृषि शोध एवं शिक्षा विभाग की तरफ से एवं कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ और विशेष रूप से सम्माननीय मंत्री महोदय जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपने बहुमूल्य समय देकर एक कार्यक्रम में भाग लिए हैं। इतना ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष का कैसे सफलतापूर्वक हम लोग पालन कर पाए उसके लिए समस्त जो रास्ता तय हो रहा है उसमें आपके मार्गदर्शन में सारे काम हो रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा के साथ मिलते हुए आज के कृषि मंत्रालय का ये कार्यक्रम है कि अत्यंत सराहनीय है और मिलेट का उत्पादन बढ़े और कंजम्पशन बढ़े, इसके दिशा में हम क्या कर सकते हैं इसके लिए कृषि मंत्रालय के तरफ से 7 सूत्री कार्यक्रम जो तय किया गया है उसका एक हिस्सा ये है कि फूड फेस्टिवल के तहत कैसे हम कंज्यूमर को इसके बारे में बता पाएं, अवेयरनेस क्रिएट कर पाएं। और जो थाली से गायब होने लगा था और गायब हो भी गया था मिलेट का पदार्थ, वो धीरे धीरे वापस आया और उसी दिशा में आज का एक कार्यक्रम है। मिलेट को बढ़ावा देने के लिए हमारे तरफ से नए नए किस्म लाया जा रहा है। आप जानते हैं ज्वार, बाजरा, रागी ये जो मुख्य मिलेट है और बाकी जो माइनर मिलेट बताया जाता है कोड़ो, कुटकी इत्यादि, और इसका उत्पादन बढ़ावा देने के लिए हमें उत्पादकता को बढ़ाना होगा। उसी दिशा में पिछले 8 साल में सरकार के प्रयास रहा है, उसका नतीजा ये हुआ है कि 180 से ज़्यादा किस्में, नए किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और सारे विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय मिलकर देश को दिए हैं। और ये जो नए किस्म हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हम जैव प्रबलित किस्म बोलते हैं, बायो फोर्टिफाइड किस्म बोलते हैं, और जिसमें लोहा की मात्रा, जस्ता की मात्रा और बाकी फाइबर और बाकी जितने गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया है। और आशा करता हूँ आज का ये मिलेट फूड फेस्टिवल आपको प्रोत्साहित करेगा, कम से कम मिलेट को अपना खाने का एक अभिन्न हिस्सा बनाएंगे और मजबूत बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे, परिवार को स्वस्थ रखेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने पोषक आहार के महत्व को समझाते हुए कहा। ये कार्यक्रम दिल्ली के हाट में आयोजित किया गया जिसमें मिलेट्स के नाना प्रकार के व्यंजन यहाँ पर दिल्ली के अंदर रहने वाले हमारे बंधुओं को आज यहाँ पर
उनका स्वाद चखने का और खाने का अनुभव महसूस हो रहा है। और मिलेट्स की अगर बात करें, बाजरा, रागी, ज्वार, ये अभी चर्चा की गई कि आम आदमी के थाली तक पहुंचे। मुझे लगता है कि ये चीज थाली तक तो सदियों पहले पहुंच गई थी। हमारा मुख्य आहार मिलेट्स ही हुआ करता था, लेकिन आज इस दिल्ली के हाट पर आकर कहना पड़ रहा है कि आपको मिलेट्स का व्यंजन है, मिलेट्स का भोजन है करना चाहिए। शायद मुझे लगता है कि हम इसी की वजह से आज जो आदमी के अंदर कमजोरी महसूस करते हैं, तो इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि हमारा जो आहार है, खान पान है, उसमें शुद्धता या उसमें पौष्टिकता की कमी की वजह से। और इसीलिए मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह तय किया कि आने वाले समय के अंदर हमारा जो मिलेट्स है, हमारा जो भोजन है, और वो पूरे देश में ही नहीं विश्व के अंदर पहुंचे। और इसके लिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ के अंदर ये जब प्रस्ताव रखा और उसके बाद में ये मंजूरी हुई, और आज बहुत ही खुशी की बात है कि मिलेट्स ईयर मनाने का 2023 में निर्णय हुआ और उसका नेतृत्व भारत करेगा। ये सबसे बड़ा हमारे सबके लिए गर्व का विषय है कि मिलेट्स ईयर 2023 मनाया जाएगा, जिसका नेतृत्व तो हिंदुस्तान कर रहा है। हम सभी को आने वाले समय के अंदर 2023 के अंदर पूरे विश्व के अंदर हर जगह पर ये मिलेट्स का हर राज्य प्रचार, हर देश प्रचार करेगा, हर देश के अंदर जाए ये मिलेट्स, उसका लाभ हमारे किसानों को भी होगा, क्योंकि मिलेट्स का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा अगर किसी एक देश के अंदर होता है तो वो हिंदुस्तान के अंदर होता है, हिंदुस्तान के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। विश्व के अंदर जिस तरह से योगा को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में फैलाया, वैसे ही हमारा मिलेट्स आने वाले समय के अंदर पूरे विश्व में जाएगा, तो निश्चित रूप से भारत की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भारत के किसानों का भी सम्मान बढ़ेगा। तो इस अवसर पर मैं आप सभी को, यहाँ पर उपस्थित हुए इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। पोषक अनाज पाक महोत्सव में केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पोषक अनाज भोजन में पुनः शामिल हो पर जोर देते हुए अपने वक्तव्य में कहा, कार्यक्रम के आयोजक कृषि मंत्रालय और अनुसंधान परिषद को इस मिलेट्स उत्सव में सभी को आमंत्रित करने के लिए और इस आयोजन को सफलता प्रदान करने के लिए जो भूमिका निर्वहन की है, उसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि मिलेट्स की उपयोगिता मानव के लिए कितनी आवश्यक है, यह आप सब लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि एक समय मोटा अनाज या पोषक अनाज यही हमारे खान पान का बड़ा हिस्सा था। धीरे धीरे हरित क्रांति के पश्चात हम गेहूं और चावल इन फसलों की ओर गए, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि किसानों के कठोर परिश्रम और वैज्ञानिकों के अनुसंधान ने इन जिंसों को भी हिंदुस्तान में पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न कराने में महारत हासिल किए। लेकिन हम सब इस बात को भी जानते हैं कि कोई मनुष्य हो या संस्था हो, अगर उसमें किसी भी प्रकार का असंतुलन खड़ा होता है तो उसका स्वास्थ्य खराब होना निश्चित ही है। गेहूं और चावल की अधिक उपलब्धता के परिणाम स्वरूप आज भोजन की थाली में एक बड़ा असंतुलन खड़ा हो गया है। यह असंतुलन मानव के शरीर को प्रभावित कर रहा है। हम सबकी यह कोशिश होनी चाहिए मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से पोषक अनाज, मोटा अनाज या मिलेट्स को उसकी थाली में पर्याप्त सम्मानजनक स्थान मिले। धीरे धीरे मोटे अनाज को छोटा अनाज कहकर, गरीबों का भोजन कहकर त्याज कर दिया जाता है, यह उचित नहीं है। अगर यह भोजन में
सम्मानजनक स्थान मिले पाएगा तो मनुष्य का स्वास्थ्य ज्यादा उत्तम रहेगा। 2023 में अपने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से मिलेट्स उनके कार्यक्रमों का हिस्सा बने, मिलेट्स को प्रोत्साहित किया जा सके, इस दृष्टि से कारगर योजना बना रहे हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पर यह उत्सव आयोजित किया गया है, आप सब इस पर भाग लेने के लिए आए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और जिनको आज पुरस्कृत करने का काम किया है उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि मिलेट्स ईयर 2023 को आने में भी समय है, लेकिन 2023 जब आए तब तक भारत में मिलेट्स की धूम मचाने में हम सब लोगों का योगदान हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ दिल्ली हाट में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित पोषक अनाज पाक महोत्सव पर आधारित रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। स्वर शशि कपूर और प्रस्तुति शिवनंदन लाल। इस रेडियो रिपोर्ट के साथ ही मैं प्रतिमा शर्मा और मैं रजनीश गर्ग और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल जी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, कहते हैं नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।